Hello dear students, welcome back to my class Parts of Wisdom. So in this session today, I'm going to explain you the omission of articles. Omission of articles, ऐसे कौन-कौन से places होते हैं, कौन-कौन से words होते हैं, जिनके पहले या बाद में कभी भी articles का use नहीं होता है, okay? This is also the most important part of article learning. इससे पहले मैंने आपको usage of article and repetition of article, then some special words with which we have to use articles and some special words we need not use article को explain किया था. इस वीडियो में मैं आपको explain कर रही हूँ omission of articles. That is the last part of determiners and articles as well. If you have not seen other videos of determiners and articles, you can go through the link given above and learn all the lessons properly. Okay? Start your class. So rule number one, never use article before a proper noun. Proper noun, what is the meaning of proper noun? The name of any person, place or thing. Okay? तो कभी भी किसी प्लेस या किसी इंसान या किसी भी वस्तु के नाम के आगे जो उसका बेसिकल नाम हो उसके पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू कोलकाता, आई एम गोइंग टू द कोलकाता, इट इज अ रॉन्ग आंसर. इज योर नेम प्रियांशु, इज योर नेम द प्रियांशु. सो प्रियांशु, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन. ओके, सो इसके पहले हम द का यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इन सम स्पेशल केसेस वी कैन यूज आर्टिकल द बिफोर प्रॉपर नाउन, बट दोज आर सम स्पेशल केसेस दैट आई एक्सप्लेन यू इन माय लास्ट वीडियो इन द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स. आई विल रिटर्न बाय संडे, आई विल रिटर्न बाय द संडे. ओके, सो इट इज द नेम ऑफ द डे. ओके, सो इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर. ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एडिटिंग ओमिटिंग एंड स्पेशली इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काफी आते हैं. ठीक है, सेकेंड वन, नेवर यूज आर्टिकल बिफोर अ मटीरियल नाउन. कोई भी मटीरियल हो आपका, चाहे वो कोई मेटल हो या फिर कोई अनाज हो या कोई भी वस्तु हो, उसके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस. द क्रॉप्स ऑफ व्हीट हैव बीन स्पॉइल्ड दिस ईयर. द क्रॉप्स ऑफ द व्हीट हैव बीन स्पॉइल्ड दिस ईयर. अब देखिए, इस सेंटेंस में भी एक कंडीशन है, बट नॉट बिफोर द आर्टिकल्स ऑफ द सेम मटीरियल. लेकिन उन्हीं मटेरियल्स की बनी हुई कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है, तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे. वी विल राइट गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, बट नॉट द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, बट आई हैव अ गोल्ड रिंग. ओके, तो रिंग है वो एक ऑब्जेक्ट है, गोल्ड का बना हुआ एक आइटम है. ओके, तो इस वजह से हम आर्टिकल का यूज करेंगे. ही वॉज हिट हार्ड बाय एन आयरन रॉड. नेक्स्ट वन, नेवर यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कलर्स. कलर्स से पहले भी, कलर्स के नेम से पहले भी कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. आई लाइक ब्लू कलर, आई लाइक ब्लू कलर. आई डू, वी विल नॉट राइट आई विल लाइक, सॉरी आई लाइक द ब्लू कलर, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस. रेड सिंबोलाइजेस लव एंड एंगर. द रेड सिंबोलाइजेस लव एंड एंगर. Incorrect sentence. But now, in this also same condition will apply as we applied in the name of materials. If color name is added with any object, we will use article. I have a blue sari. I will write I like blue color, but before the article name, if color has added any article name, okay, any object name, we will always use article. I have a
blue sari if the noun is in singular form. Okay. You always look beautiful in a pink dress. Okay. Next one. Never use article before an abstract noun. Abstract noun से पहले कभी भी article का use नहीं करते हैं. Abstract noun, all those nouns that can be felt but not be seen. Okay, जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं. Honesty is the best policy, not the honesty is the best policy. Love is blind, not the love is blind. Next one. Never use article before the names of games. Games से पहले भी कभी article का use नहीं करते हैं. I like to play cricket. I like to play the cricket. Wrong. The chess is my favorite game. Wrong. Then next one. Never use article before the names of subject. Okay. Before the names of subject. Subject से पहले भी कभी article का use नहीं करते हैं. I like physics. I like the physics. Wrong sentence. I secured the highest marks in mathematics. I secured the highest marks in the mathematics. Wrong sentence. Then, never use article before regular meals. जो हमारे regular meals होते हैं like breakfast, lunch, dinner, इन सबसे पहले भी हम article का use नहीं करते हैं. Have breakfast, like come, have breakfast. ओके, तो यहाँ पर हम लग यूज नहीं करेंगे. But can use article if we are having an adjective before these meals. यानी इन same meals से पहले अगर कोई भी adjective आ जाता है तो उसके पहले हम article का use कर सकते हैं. Last Sunday, I had a nice breakfast in this hotel. Next one. Never use article before any edible or drinks. किसी भी खाने योग्य वस्तु या ड्रिंक से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. I had rice in my dinner today. I had the rice. It is a wrong sentence. I have mango shake daily in summer. I have the mango shake daily in summer. Wrong sentence because we will not use article before any drink. But food and water. These are two words always take articles as they are collection of many things. ओके, तो फूड और वाटर इसके अंदर हमारे बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं. तो फूड एंड आर्टिकल ये दोनों एक तरह से क्या होता है, संग्रहण संगठन होता है कई खाद्य पदार्थों का. फूड एंड आर्टिकल ये दोनों कई खाद्य पदार्थों का संगम होता है, हम कह सकते हैं संगठन होता है. तो फूड एंड आर्टिकल ये दोनों वर्ड जो है यानी कि चीज. सो फूड एंड आर्टिकल ये दोनों कलेक्शन होता है, बहुत सारे खाद्य पदार्थों का संगठन होता है. तो इस वजह से हम हमेशा इसके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं. ठीक है, यानी खाने का कोई और आर्टिकल होगा या पीने का कोई और आर्टिकल है तो उसके पहले तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. लेकिन बेसिकली फूड एंड वाटर वर्ड आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं. शी हैड नॉट हैड द फूड फ्रॉम लास्ट नाइट. द वाटर हैड बीन फिनिश्ड इन द टैंक. सो बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. नेक्स्ट वन. नेवर यूज आर्टिकल व्हेन अ कॉमन नाउन इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस. नाउ सी, जब हमारे कॉमन नाउन थोड़ा वाइडर सेंस में यूज होगा तो ऐसे कंडीशन में हम द का यूज या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल. द मैन इज मॉर्टल, इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस. मीन्स नॉर्मली कॉमन नाउन से पहले तो आर्टिकल का यूज होगा. आई सॉ अ मैन रोमिंग आउटसाइड ऑफ योर होम.
आई सॉ अ मैन रोमिंग आउटसाइड ऑफ योर होम. तो यहाँ पर मैंने कोई भी एक पर्सन देखा है, कॉमन नाउन है वो, ठीक है, आउटसाइड ऑफ योर होम, ठीक है. लेकिन यहाँ पर जब हम मैन की बात कर रहे हैं तो एक कॉमन मैन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम एक तरह से बात कर रहे हैं मनुष्य की, मानव जाति की, पूरी मानव जाति की बात कर रहे हैं. तो हम सीधे सीधे हम ये भी समझ सकते हैं जब मैन को मनुष्य रूप में बात की जाए, जो कि ऐसे कोई सेंटेंस बोला जाए जो कि सारी मानव जाति को बिलोंग करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है. मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, ठीक है. तो ऐसे सेंटेंस में हम द मैन इज मॉर्टल, हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. जबकि नॉर्मल केस में हम अ मैन या द मैन का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, यूज आर्टिकल बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स इफ यू आर हैविंग रूटीन और रूटीन ऑफ विजिटिंग द प्लेसेस और विजिटिंग फॉर द पर्पस दे आर बिल्ट फॉर. नाउ सी, ये सारी बिल्डिंग्स हैं जैसे स्कूल, लाइब्रेरी, टेम्पल, चर्च, ये सारी जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जब हम इन सारे स्थान पर इसलिए जा रहे हैं जिसके लिए वो एक्चुअली बने हैं, जैसे स्कूल पढ़ाई के लिए बनाया, लाइब्रेरी बुक्स इशू करने के लिए या रीडिंग करने के लिए बनी है, ठीक है, मंदिर पूजा करने के लिए बना, तो एक्चुअली इसका जो भी हमारा एग्जैक्टली पर्पस है, उस पर्पस के लिए हम उन प्लेसेस पर विजिट कर रहे हैं या फिर वहां जाना हमारा डेली रूटीन है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली, तो इट इज माई डेली रूटीन, ओके. और सेकेंड, आई गो टू स्कूल डेली, यानी कि जब मैं स्कूल एग्जैक्टली डेली किस लिए जा रहे हैं, या तो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं या पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में हम द का यूज नहीं करेंगे. लेकिन अगर किसी स्पेशल पर्पज से जा रहे हैं तो द का यूज करेंगे. माई फादर विजिटेड द स्कूल टूडे टू सबमिट माई स्कूल फी, ओके. सो इट इज नॉट द डेली रूटीन ऑफ माई फादर टू विजिट द स्कूल, ही वेंट टू स्कूल for a special purpose, okay, to submit my fees. That is why we will use article the. But here I am going to school daily, okay, that is why we will not use article. See one more example, I went to library to issue some books. I went to library to issue some books, okay. I went to the library to meet the librarian who is my friend. Next one, never use article before any disease. किसी भी बीमारी से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. I have been suffering from fever since last night. The death rate due to COVID-19 is increasing day by day. But use article before two diseases. किसी भी बीमारी से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, ये हमारी दो बीमारियां होती हैं, द मीजल्स, द मम्स, इनसे पहले हम हमेशा आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है. द मीजल्स एंड द मम्स, इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी बीमारी से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन, नेवर यूज आर्टिकल बिफोर गॉड, नेचर, हेवन एंड हेल. God is in his heaven and all is right with the world. This is a very famous quotation given by Robert Browning. So, God is in heaven. यानी God is in his heaven. यानी कि God से पहले हमने कभी भी article का use नहीं करना है. This is a very common mistake students often do because of which their marks are deducted. Okay. कई बार जो students हैं क्या लिखते हैं, द गॉड, ओके, जबकि गॉड से पहले कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. सेकेंड मिस्टेक दे ऑफ्टन डू, गॉड, दे राइट गॉड, दे स्टार्ट द स्पेलिंग ऑफ गॉड विद स्मॉल लेटर, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट. वी मस्ट ऑलवेज स्टार्ट द स्पेलिंग ऑफ गॉड, हेवन, हेल विद ओनली कैपिटल लेटर्स, ओके. In the same way, nature. Now see, there are two kinds of nature.
एक नेचर हमारा होता है प्रकृति, एक हमारा नेचर होता है प्रकृति। तो जब भी हम नेचर को प्रकृति के रूप में लिखते हैं तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, ठीक है। बट इफ वी आर यूजिंग नेचर एज एन एटीट्यूड, यानी कि स्वभाव के रूप में जब भी हम नेचर का यूज करते हैं तो वहां पर जो स्पेलिंग होती है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है, एंड इन दैट कंडीशन वी कैन यूज आर्टिकल। ओके, तो प्रकृति से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन नेचर को जब स्वभाव के रूप में लिखेंगे तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्शिपिंग नेचर इज इन माई नेचर, सो हियर वी कैन नोटिस दैट एन, आई एम राइटिंग एन हियर, स्टार्टिंग द स्पेलिंग ऑफ नेचर विद कैपिटल लेटर। आशी इज हैविंग अ काम नेचर, ओके, तो यहाँ पर हमने नेचर के साथ आर्टिकल का यूज किया, ठीक है, और स्पेलिंग भी हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट की, ठीक है। बट विल यूज आर्टिकल्स बिफोर गॉड्स एंड डेविल, यानी गॉड है, डेविल है या डेविल्स है, उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पर गॉड की जो स्पेलिंग है वो भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। गॉड्स का मीनिंग, गॉड तो ईश्वर होता है, लेकिन गॉड्स का मीनिंग जो हमारे ऐसे देवी देवता जैसे बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हम, तो हमारे जो भी छोटे मोटे देवी देवता होते हैं उनके लिए हम गॉड्स का यूज करते हैं, और वहां पर हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। द गॉड्स कॉल्ड प्रिंस गौतम टू लीव हिज वर्ल्ड टू रिमूव द पेन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ओके। Think of the devil and devil is here. Okay, so we can notice here the devil. Before devil we can use article. Okay, then after appoint, elect, make and crown. इनके बाद अगर कोई भी noun का use होता है तो उसके साथ हम कभी भी article का use नहीं करते हैं, ठीक है। He was appointed the manager in the hotel. It is a wrong sentence. He was appointed manager in the hotel. He was crowned king, not he was crowned the king. It is wrong sentence. So these are some rules of omissions of articles. This is the last chapter of article learning. If you understood the chapter, please don't forget to share with your dearest ones and like and subscribe the channel if you have not till now. Thank you. Happy learning.